नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। आज हम बात करेंगे फलों के शहंशाह यानी आम के बारे में, और ये जानेंगे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है और गर्मी के रोग, किस तरह से एक आम इन सब रोगों को ठीक कर सकता है, इसकी चर्चा होगी आज। दो टाइप के आम होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका देसी आम और दूसरा होता है आम जिसको हम काट के खाते हैं। जो देसी आम है उसका एक एग्जाम्पल दूंगा, चूसने वाला आम। अब होता क्या है दोस्तों, ये आम बहुत ही हल्का होता है तो बच्चे से लेके बूढ़ा तक इसको खा सकते हैं, लेकिन जो आम काटने वाला होता है ये थोड़ा सा हैवी होता है, भारीपन होता है, इसीलिए जब कुछ लोग खाते हैं तो उनको बहुत ही भारीपन महसूस होता है। तीसरा है दोस्तों कच्चा आम। कच्चा आम कभी कभार खा लिया ठीक है, लेकिन वो लोग जो कच्चा आम बहुत ज़्यादा खाते हैं, होता क्या है, ज़्यादा खाने से आपका वात पित्त कफ ये इम्बैलेंस हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है, इसलिए जितना हो सके कच्चे आम से दूर रहिए। अब हम आते हैं दोस्तों आम चूर्ण पे। हिंदुस्तान में देखा गया कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने खाने पीने में आम चूर्ण का उपयोग बहुत करते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं आम चूर्ण का तो महिलाओं में इररेगुलर पीरियड्स होते हैं और मर्दों में धातु कमज़ोर हो जाता है। अगर आपको आमचूर्ण यूज़ करना है तो महीने में एक या दो बार करिए, दैट्स इट, आपको रोज़ यूज़ नहीं करना है। आम खाने से दोस्तों वायु कम होता है, यानी आपके बॉडी में जो हवा का स्तर होता है वो बैलेंस हो जाता है। इससे क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर के इश्यूज, गुड बैक्टीरिया जो आपके गट में, जो आपके पेट के अंदर होते हैं, आपका इंटेस्टाइन साफ होता है, और ना जाने कितने फायदे होते हैं वायु कम होने से, इसलिए आम का उपयोग जरूर करें। अब हम आते हैं दोस्तों मैंगो शेक पे, और ये हम सबको पसंद है। और सबसे अच्छी बात ये है कि दूध और मैंगो को अगर आप मिक्स करोगे तो इसका मिश्रण बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपके गर्मी के रोग इससे ठीक हो जाते हैं। अगर आप शहद मिला दोगे अपने मिल्क शेक में तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कफ और पित्त ये दोनों को ही बैलेंस करेगा। कई लोगों को आम नहीं पचता, मैं समझ सकता हूँ। आपने क्या करना है दोस्तों, आपने आम काटना है और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला देना है, आपको पचना चालू हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा एकदम से पचना चालू हो जाएगा, लेकिन जो आपकी पाचन क्रिया है, जो आम को पचाने का प्रोसेस है, ये सॉल्ट उस चीज़ में आपको हेल्प करेगा। जठर अग्नि, दोस्तों आम खाने से आपकी जो जठर अग्नि है, जिसको डाइजेस्टिव पावर बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली करेगा और आपका पेट भी साफ करेगा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे जठर अग्नि क्या चीज़ होती है। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको जठर अग्नि के बारे में बताऊंगा। जठर अग्नि वो चीज़ है, वो शक्ति है हमारे शरीर की, जो अगर कम हो गई तो आपका शरीर खत्म हो जाएगा। जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, डायबिटीज़ की, किडनी की, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, जो भी आप बीमारी ले लो, ये जठर अग्नि की कमी से होती है। उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। इस चीज़ के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है चैनल को। अब हम बात करेंगे दोस्तों आम के अचार के बारे में। जितनी भी माताएं हैं, अगर वो ये चैनल देख रही हैं इस वक्त, उनसे मैं एक ही चीज़ बोलूंगा, जब आप आम का अचार डालेंगे उसमें मेथी ज़रूर मिलाना। मेथी के जो गुड़ होते हैं दोस्तों, जब वो आम के अचार में चले जाते हैं, और आम का अचार तो महीनों सालों रहता है, तो जो मेथी का गुड़ होता है ना, वो आम के अचार को एक औषधि बना देता है। तो जब आप खाएंगे ना तो आप औषधि खाएंगे, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग करते हैं अपने घर पे। तो कृपया करके रिक्वेस्ट है, मेथी का उपयोग ज़रूर करें और नेचुरल औषधि अपने बॉडी में डालें। अब हम बात करेंगे दोस्तों डायबिटीज़ के बारे में। जो लोग डायबिटिक है, अगर मैं उनसे ये पूछूं, एक तरफ है आम और दूसरी तरफ है ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, रोटी सब्जी दाल हो गई, आप क्या खाना पसंद करोगे? तो एक ही जवाब मिलेगा, आम नहीं खाएंगे भैया, इसमें शुगर होती है। तो चलो दोस्तों मैं आपको साइंस के माध्यम से समझाता हूँ कि आम खाना कितना ज़रूरी है। आप रोटी खाएं या ना खाएं, आम ज़रूर खाएं जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं। स्क्रीन पे आप लोग अभी देख सकते हैं कि एक जीआई इंडेक्स है, और दोस्तों ये जो जीआई इंडेक्स है, अगर ये 70 से ज़्यादा है तो ये गंदा होता है, अगर ये 56 to 69 अपना मीडियम, ना ये अच्छा है ना ये बेकार है, और अगर ये 55 से कम है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा होता है। अब आप ही लोग बताइए दोस्तों, एक तरफ है ब्रेड जिसका जीआई इंडेक्स है 71, एक तरफ है आम जिसका जीआई इंडेक्स है 51, और
अगर मैं केले की बात करूं दोस्तों, तो उसका भी GI इंडेक्स 51 है। ऐसे बहुत सारे फल हैं जो आपके ब्रेड से बहुत अच्छे हैं और आपके शरीर के लिए अच्छे हैं। तो दोस्तों, आम में विटामिन ए होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे गुण होते हैं। आपके वात और कफ को ये बैलेंस करता है। इसको ऐसे ही शहंशाह नहीं कहा जाता। ये जो वीडियो बनाई है, अगर मैं वाकई में आम के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इतने सारे फायदे हैं आम और उसकी गुठली के। इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, आम की गुठली पे, लेकिन थोड़े दिन बाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। आज्ञा दीजिए। जय मां भारती।